सोनाली फोगाट मर्डर केस फिलहाल इन्वेस्टिगेट हो रहा है गोवा पुलिस की ओर से, और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है खट्टर जी, इन्होंने पत्र लिखा है आफ्टर मीटिंग सोनाली फोगाट का परिवार की, आप ये जांच जो है सोनाली फोगाट की डेथ केस की, मर्डर केस की, वो आप सीबीआई को सौंपिए, क्योंकि इनका परिवार जो है चाहता है कि सीबीआई जो है आगे का इन्वेस्टिगेशन करे, जिस पर गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है सावंत जी, उन्होंने इस बारे में बड़ी टिप्पणी पहले ही दी, अपना बड़ा बयान दिया कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है सीबीआई को ये केस सौंपाने में, और उन्होंने कहा कि हमारे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कंप्लीट करके हैंडओवर करने को तैयार है सीबीआई को। अब इस सब में एक बड़ा खुलासा हो रहा है, जहां पे गोवा पुलिस हरियाणा में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर कल पहुंची थी छानबीन करने के लिए और सवाल जवाब जो है करने के लिए, क्योंकि कई सारी बातें जो है सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने और उनके परिवार ने की है कि किस तरीके से जो है कनेक्शन किसका पॉलिटिकली है, जो शायद मदद कर रहा होगा सुखविंदर की और सुधीर सांगवान की। चलिए आपको बताते हैं, अब देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट संदोष वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको कि सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुधीर सांगवान जो पीए रह चुके हैं सोनाली फोगाट के, ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, अरेस्टेड है एक्चुअली, और साथ ही साथ सुखविंदर जो उनके साथ काम करते थे वो भी अरेस्टेड है। भाई जो है सोनाली फोगाट की, उन्होंने कहा हमें सिर्फ लगा था कि सुधीर है वहाँ पे और सुखविंदर है, ये हमें नहीं पता था। 3-4 साल पहले वो मिला था सोनाली फोगाट को, तभी उसने कहा था कि उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, और उन्होंने पहले जो है काम किया था पूर्व मंत्री जो है वहाँ के गोपाल कांडा उनके साथ, और गोपाल कांडा कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं सुखविंदर की, इस तरीके से बड़ा आरोप जो है भाई जो है सोनाली फोगाट के उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि क्या वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, और हम वो कहना भी नहीं चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं मदद जो है सुखविंदर को कहीं ना कहीं उनकी मदद हो रही है, और हमें तो पता भी नहीं था कि सुखविंदर वहाँ पे है, हमें सिर्फ सुधीर के बारे में पता था। आप उनका सोशल मीडिया चेक करेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। उन्होंने इंट्रोडक्शन भी जब सोनाली फोगाट को दिया था तब भी उन्होंने यही चीज़ कही थी कि मैंने पहले गोपाल कांडा के साथ काम किया है जो हरियाणा के पूर्व मंत्री है। वेल, अब छानबीन कौन सा एंगल लेगी, आगे क्या कुछ होगा, जैसे ही कोई अपडेट्स आते हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल ये थी अभी की अपडेट। Do let me know what's your take in the comments. I'll see you soon.